बद्रीनाथ हाईवे पर जानलेवा हादसा, बाइक और ट्रैवलर की जोरदार टक्कर, बीच सड़क पर दो पुलिस वालों समेत गई तीन तीन जाने, मौत एक पल की होती है। इसका जीता जागता उदाहरण बद्रीनाथ हाईवे से देखने को मिला है, जहां तीन बाइक सवार एक झटके में मौत को गले लगाते हुए नजर आए। शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर चमोली से एक टेम्पो ट्रैवलर आ रहा था। वहीं बिरही पुलिस चेक पोस्ट पर जैसे ही तीन बाइक सवार पहुंचे, वैसे ही टेम्पो ट्रैवलर्स और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर लगते संग ही बाइक सवार सड़क पर बड़ी तेजी से गिरे और तीनों की मौके पर मौत हो गई। तीनों बाइक सवार कुछ देर पहले ही बाइक से निकले थे, शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये उनकी आखिरी यात्रा होने वाली है। आपको बता दें कि बाइक सवार तीन युवकों में दो पुलिस कांस्टेबल थे जो कि पुलिस लाइन गोपेश्वर में तैनात थे, वहीं एक अन्य जो कि बाइक भी चला रहा था वो चमोली निवासी था। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों बाइक सवारों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मिली जानकारी मुताबिक ओवरटेक के चलते ये जबरदस्त टक्कर हुई और ऐसी अनहोनी घट गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, लेकिन एम्बुलेंस के आने का कोई फायदा नहीं हुआ। चमोली पुलिस के मुताबिक घटना शुक्रवार सुबह 11 बजे करीब हुई। वहीं पुलिस टीम द्वारा तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले की भी जांच शुरू हो गई है। मृतकों की पहचान पुलिस कांस्टेबल सचिन कुमार, पुलिस कांस्टेबल जयवीर और पुराना बाजार चमोली निवासी दीपक के रूप में हुई है। मृतक दोनों पुलिस कांस्टेबल पुलिस लाइन गोपेश्वर में तैनात थे। बाइक से निकली यात्रा के दौरान किसी के सिर पर हेलमेट भी नहीं था, जिस वजह से तीनों की मौके पर मौत हो गई। इस हादसे के बाद चमोली में लोग दहशत में आ गए हैं। तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते तीनों युवकों की मौत हो गई। बाइक चलाते वक्त बार बार हेलमेट पहनने को इसीलिए कहा जाता है। फिलहाल तीनों मृतकों का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है और तीनों के घरों में मातम पसर चुका है। चमोली से कमल नैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड।